आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आया हूं फ्रॉम योर क्लास टेंथ फिजिक्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कि आपकी टर्म टू में आ रहा है तो जो जो बच्चे इस साल टर्म टू दे रहे हैं यानी फॉर द सेशन ट्वेंटी प्लीज ये वीडियो जरूर देख कर जाना बिकॉज हाई प्रॉबेबिलिटी है कि इन्हीं में से डायरेक्टली कोई केस स्टडी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के किसी सेट में आ जाए सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट

इलेक्ट्रिक मोटर इज़ यूज एज ए वाइटल कॉम्पोनेंट इन इलेक्ट्रिक फैंस रेफ्रिजरेटर्स मिक्सर्स वॉशिंग मशीन्स कंप्यूटर्स एम पी थ्री प्लेयर्स एक्सेट्रा यहाँ पर आपको इन्होंने केस स्टडी में डायग्राम भी प्रोवाइड किया है इलेक्ट्रिक मोटर का साथ ही लिखते हैं An electric motor consists of a rectangular coil ABCD of insulated copper wire. The coil is placed between the two poles of a magnetic field such that the arm AB and CD are perpendicular to the direction of the magnetic field. The ends of the coil are connected to the two halves P and Q of a split ring. The inner sides of these halves are insulated and attached to an axle. The external conducting edges of P and Q touch two conducting stationary brushes X and Y, respectively, as shown in the figure. खैर हम सभी को पता है केस स्टडीज कभी भी जो ऊपर मटेरियल दिया होता है उसे तो सॉल्व होती नहीं है जो क्वेश्चंस आगे पूछे जाते हैं वो बिल्कुल ही अलग पूछे जाते हैं नॉट तो ये पैसेज भी कभी कभी हेल्प नहीं करता तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक मोटर येस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज वट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर यानी एक इलेक्ट्रिक मोटर के काम करने का प्रिंसिपल क्या है तो चलिए जल्दी से हम इस आंसर को लिखते हैं वट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर सो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है दैट वेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन एथ यानी जब एक कंडक्टर जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है या एक कॉयल कुछ भी अगर आप उसे एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हो तो उस पर एक फोर्स एक्ट करता है अपने आप और इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है इलेक्ट्रिक मोटर तो चलिए जल्दी से हम आंसर लिख देते हैं आइए मेरे साथ लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट अपने नोट साइड बाई साइड बनाइए इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट वेंट A current carrying conductor is placed in an external magnetic field, it experiences a magnetic.

वट इज द फंक्शन परफॉर्म्ड बाई स्प्लिट रिंग्स एंड कार्बन ब्रशेज यानी यहाँ जो आप इसकी कंस्ट्रक्शन में भी देख सकते हो जहा यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स का यूज किया गया है और ये जो कार्बन ब्रशेज है इसका क्या यूज है वो ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है तो जल्दी से हम लिखते हैं इसका आंसर नौ स्प्लिट रिंग्स का सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्प्लिट रिंग्स साथ साथ नोट बनाए एक्ट एज कॉम्यूटेटर्स कॉम्यूटेटर्स वट इज कॉम्यूटेटर्स दैट इज देप टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉयल ये होता है स्प्लिट रिंग्स का फंक्शन अब आपको बताना है कार्बन ब्रशेस का भी तो चलिए वो भी हम फटाफट से लिख देते हैं कार्बन ब्रशेस हेल्प टू मेक टू मेंटेन अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट विथ द स्प्लिट रिंग्स देयर बाय सप्लाइंग करंट टू अब मैं आपके साथ क्यों ही टाइप कर रहा हूँ ताकि आप भी प्रैक्टिस करें कि सब्जेक्टिव वे में आपको कैसे लिखना है जो पूछा गया है उतना ही आंसर करेंगे टू द पॉइंट करेंगे ज़्यादा की कहानियाँ नहीं पाएंगे हाँ कहानियां आप तब पा सकते हो जब आपको आंसर नहीं पता हो कुछ कुछ तो हो सकता है मार्क्स मिल जाए बट आई सजेस्ट यू पढ़ के जाए प्रॉपर वेरी इजी इट इज़ और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पक्का आएगा आपके बोर्ड में स्प्लेटरिंग्स का फंक्शन और कार्बन ब्रशेस का ठीक है अब हमने लिख दिया है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं थर्ड पे आ जाए थर्ड पे ही कह रहा है हमसे कि राइट एनी टू वेज बाय विच पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर कैन बी इंक्रीज यानी अगर आपको इलेक्ट्रिक मोटर की पावर बढ़ानी है तो आप कैसे बढ़ा सकते हो कोई भी दो वेज मैं आपको तीन वेज बताता हूं ठीक है नंबर वन देखिए नंबर वन वे क्या हो सकता है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल या तो आप कॉइल के अंदर टर्न्स बढ़ा दीजिए सेकंड बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ सप्लाइड करंट या तो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दीजिए एंड थर्ड वे क्या हो सकता है बाय इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की आप स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए अब आप कहोगे सर मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे स्ट्रेंथ कैसे बढ़ जाएगी इलेक्ट्रिक मोटर में जनरली इलेक्ट्रो मैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं और इलेक्ट्रो मैगनेट्स की स्ट्रेंथ ईजिली बढ़ाई घटाई जा सकती है उनकी पोल्स भी चेंज की जा सकती है लेकिन हाँ मैग परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं हो सकता तो या तो आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दो या जो करंट इनपुट में दे रहे हो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दो या तो कॉयल के अंदर जो टर्न्र्नस हैं उनको आप नंबर में बढ़ा दीजिए तो आप इलेक्ट्रिक मोटर की पावर बढ़ा सकते हैं तो ये तीन मैथ

कितनी रोटेशंस के बाद चेंज होती है सो द आंसर इज वेरी क्लियर आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन द डायरेक्शन चेंजेस अब ये आप आंसर कैसे कर पाओगे अगर आपको वर्किंग अच्छी तरीके से पता है जिस बच्चे ने इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग नहीं पता क्या पता आपसे बोर्ड में वर्किंग ही पूछ लें एक्सप्लेन द प्रॉपर वर्किंग तो आप क्या करोगे इसलिए वर्किंग प्लीज़ बच्चे समझ के जाना कोई भी डाउट है अगर वर्किंग में तो आप मुझसे पूछ सकते हो अब वो कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन द रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन सो द रीजन इज ऑल्सो वेरी सिंपल इफ यू नो द वर्किंग यू कैन राइट लेट मी टेल यू हाउ यू विल राइट इट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन वाई द डायरेक्शन बिकॉज सी कार्बन ब्रशेज जो होते हैं दे आर फिक्सड वेयर एज स्प्लिट रिंग्स आर इन motion thus after every half rotation the sliding contact of split rings with the brushes chain changes okay? the sliding contact changes एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पोलारिटी द पोलारिटी पोलारिटी ऑन द स्पलिट रिंग्स चेंजेस कार्बन ब्रशेस तो मूव नहीं कर रहे हैं तो उन पर तो पोलैरिटी जो भी है प्लस माइनस वो तो चेंज नहीं होगी लेकिन स्पलेट रिंग्स मूव करती हैं इसीलिए स्प्लिट रिंग्स पे पोलरिटी चेंज होती जाती है इसीलिए अगर हम डायग्राम में यहाँ पे आपको देखें ये देखो ए बी में पहले करंट इधर अपवर्ड जा रहा है सीडी में डाउनवर्ड लेकिन हाफ रोटेशन के बाद आप देखोगे जो सीडी के साथ जो स्प्लिटरिंग कनेक्टेड है वो ये इस वाले कार्बन ब्रश पे आ जाएगी और जो ए बी के साथ स्प्लिटरिंग कनेक्टेड है वो इस वाले कार्बन ब्रश के साथ कंटैक्ट में आ जाएगी और कार्बन ब्रशेज पर तो फिक्स डेपुलरिटी ये वाला प्लस वाला साइन यहाँ पर है और ये जो ये बैटरी का माइनस साइन है वो यहाँ पर हमेशा रहेगा इसका मतलब अब जो हाफ रोटेशन के बाद जो सी डी के साथ स्प्लिट रिंग कनेक्टेड है वो प्लस वाले साइन के साथ आ जाएगी कार्बन ब्रश के और जो ए बी के साथ स्प्लिट रिंग कनेक्टेड है वो हाफ रोटेशन के बाद नेगेटिव कार्बन ब्रश के साथ कनेक्ट हो जाएगी एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो कि पहले ए बी ब्रांच में करंट अपवर्ड फ्लो हो रहा था हाफ रोटेशन के बाद ए बी ब्रांच में करंट डाउनवर्ड फ्लो होने लग जाएगा एंड जो इनिशियली सी डी सी डी ब्रांच में जो करंट डाउनवर्ड फ्लो हो रहा था हाफ रोटेशन बाद सी डी ही ब्रांच में करंट अपवर्ड फ्लो होने लग जाएगा यानी डी टू सी फ्लो करने लग जाएगा बात समझ में आई तो आ, उसने पूछा था व्हाट इज द रीजन तो यही रीजन है एंड हेंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल चेंजेस क्या सभी बच्चों को बात समझ में आई आपको कैसे आंसर करना है केस स्टडीज को अब आपके मैंने साथ सॉल्व किया है सो आई डोंट थिंक इट शुड बी डिफिकल्ट फॉर यू ओके ऐसे प्रॉपरली आंसर करोगे जो पूछा गया है एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी इट इज़ हो सकता है सेम ही आ जाए आपके पेपर में या इससे मिलते जुलते आ जाए बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ ठीक है अब मैं आपके साथ एक और केस स्टडी बाद में डिस्कस करूंगा ठीक है इसी चैप्टर से मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसके पार्ट टू में टिल देन टेक केयर डियर स्टूडेंट्स आई नो यू ऑल आर गोइंग टू रॉक इन द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल द वेरी बेस्ट